हर हर गंगे दोस्तों, मैं हूँ गढ़ मुक्तेश्वर। जैसा कि मैंने पिछले शॉट में बताया था कि इस जगह को गण मुक्तेश्वर बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर शिव जी के गणों की मुक्ति हुई थी। बाद में नाम बिगड़कर हो गया गढ़ मुक्तेश्वर। हम हर साल आते हैं, पिछले 100 साल से तो ऐसे ही है, हमारे दादा परदादा सब आते गए इधर और उन्होंने संस्कार दिए, हम भी इधर आ गए और अब सब आते। दादाजी एक अक्सर भजन गाते थे, मेरा सच्चा मार्ग छूट गया, मुझे 5 लुटेरों ने लूट लिया, गुरु आ जाओ मेरे सारे कष्ट मिटा जाओ। वो 5 लुटेरे कौन है जिनकी वो बात करते थे? भजनों को समझना भी थोड़ा टफ होता है और इसको वही समझा सकते हैं जो उन ज्ञानियों के सानिध्य में रहे हैं, उन गुरुओं के शिष्य हैं। तो मुझे बताया मेरे चाचा ने, पिताजी ने, कि 5 लुटेरे क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। दुर्गा सप्तशती में भी है ये 5 लुटेरे इंसान को लूट लेते हैं और ऐसे में आपका सच्चा मार्ग छूट जाता है। जैसे एक लुटेरा क्या है? एक लुटेरा ये कि हम लोभी हो जाते हैं कि मुझे और पैसा चाहिए, खूब धन चाहिए, हम इतना लोभ में डूब जाते हैं। जैसे मैं डूब गया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं, ये आप लोग सोचते हैं कि मैं लोभी हो गया, मैं हूँ नहीं, कि मैं दुबई जा रहा हूँ, 9000 CR मेरा टारगेट है, ये भी एक पार्ट हो गया ना लुटेरे का, ये लुटेरा है, लोभ एक लुटेरा है। इसको कैसे ठीक किया जाए? गुरु को याद करो, गुरु सच्चा मार्ग देता है कि आओ इधर गंगा स्नान पर आओ, भक्ति करो, पूजा करो, आप पर इन 5 लुटेरों का असर नहीं होगा, ये आपको कभी नहीं लूट पाएंगे। मद, अहंकार आ जाना कि मैंने इतना कमा लिया, बहुत कमा लिया, ये अहंकार होने नहीं देना है, ये मद आने नहीं देना है। कैसे? जब आप यहाँ गंगा स्नान के लिए आते हो, जैसे मैं आता हूँ, एक तरफ मैं 5 स्टार तो गया हूँ, सारे 5 स्टार छान मारे, दिल्ली के तो बस पूछो ही मत, हर एक में जानते हैं और दुबई में भी अब लोग जानने लग गए। एक तरफ बढ़िया किंग साइज बेड पे लेटा हूँ, सामने बुर्ज खलीफा दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ जब यहाँ पर आके लेटते हैं, इस रेत में लेटते हैं, चटाई बिछा के रात को रुकते हैं इधर, एक तंबू सा लगा के झुग्गी बना के, तो हमें समझ आता है, फिर वो अहंकार ख़त्म हो जाता है कि कहाँ 5 स्टार कहाँ ये, और मुझसे दिल से पूछो तो इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। कितनी शांति, अथाह शांति है यहाँ पर। हमारे सच्चा मार्ग छूट जाता है जब हम लोभी हो जाते हैं। तो इस लोभ को, ये 6 लुटेरों को दूर करने के लिए हमें भजन पूजा पाठ करनी होती है, भंडारे करने होते हैं, सर्विस देनी होती है, मतलब सेवा करनी होती है। सेवा करो, भंडारे करो, कभी आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। और आज से कुछ टाइम के बाद में, हाँ, जो मैं 9000 CR की बात कर रहा था, 9000 CR क्या है? थॉट प्रोसेस मेरा अलग है। आप लोग सोचते हैं कि ये 9000 करोड़ कमाना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू 9000 CR की कम से कम हो जाए, कि जब वैल्यू इतनी हो जाएगी तो सब अपने आप आ जाएगा। नहीं समझे कि जब तक मैं 9000 CR अचीव करूँगा तो मेरे रास्ते में क्या क्या अड़चनें आएगी, मैं उन अड़चनों को कैसे दूर करूँगा। बेटा मैं बना लूँ? हाँ, मैं उन अड़चनों को कैसे दूर करूँगा? तो वो एक क्या है, वो एक्सपीरियंस जुड़ता है, समस्याओं से जूझते हो तभी सफलता प्राप्त होती है। तो एक टाइम पर ऐसा हो जाएगा कि सारी समस्या चुटकी में ऐसे ही दूर कर देंगे। वो वैल्यू है 9000 CR की, समझे? वो एक ऐसा लेवल हो जाता है, फिर तो कोई आएगा कहेगा जी मेरी ये समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, चुटकी में सॉल्व कर देंगे। हमें अपने लेवल्स बनाने हैं, ऐसे अपनी वैल्यू बनानी है 9000 CR की, और जब ये बन जाएगी तो फिर संन्यास ले लेंगे। और संन्यास लेके क्या करेंगे? लोगों को बताऊंगा कि इस रास्ते पर, इस स्टेज पर मैं कैसे पहुंचा और तुम कैसे पहुंच सकते हो, इस रास्ते को कैसे तय कर सकते हो। क्योंकि जब तक मैं किसी जगह पहुंचता नहीं तो मैं उसका रास्ता कैसे बताऊंगा? मैं खुद अभी आधे रास्ते पर हूं तो तुम्हें कैसे बताऊं? आधा रास्ता बता सकता हूं यहां तक का,
कुछ करोड़ कमाने का मैं रास्ता बता सकता हूँ। और मैं रास्ता तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ करोड़ कैसे अचीव हो जाते हैं। पैसा कमाने के लिए पैसा कमाना छोड़ना पड़ेगा, अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर दो बिल्कुल। नहीं समझे, पैसा कमाना है तो पैसा छोड़ना पड़ेगा। दादाजी कहते थे कि छाया माया एक समान, भोगी को लागी फिरे और त्यागी के पीछे फिरे। भोगी कौन? मतलब हम भोगना चाहते हैं ना, हम माया चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तो हम उसके पीछे फिर रहे हैं। लेकिन हम त्याग देते हैं तो वो हमारे पीछे आ जाती है वो चीज़। मतलब ज्ञान हो जाता है तो आप त्याग दोगे, फिर वो चीज़ पीछे आ जाती है। कैसे? छाया माया। छाया क्या है? जैसे परछाई है हमारी, मैं ये यूँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे परछाई है, मैं अगर इसको पकड़ने के लिए जाऊँगा तो मैं इसे नहीं पकड़ पाऊँगा। ऐसे ही माया है, माया तुम्हारे पीछे है, तुम उसको पकड़ने जा रही हो, आगे आगे चली जाती है, ऐसी छाया आगे चली जाती है। लेकिन कोई ज्ञान दे दे, कहे कि मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ और एक रास्ता देता हूँ, तुम चलो और मैं चलूँगा, वो छाया भी मेरे पीछे पीछे और वो माया भी मेरे पीछे पीछे, तो इसको त्यागना पड़ता है, इसको छोड़ना पड़ता है। तुम आगे चलो, पीछे पीछे आ जाएगी। थॉट प्रोसेस चेंज करो अपना, फिर आने वाले समय में यही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ माँ गंगा की कृपा, गुरु की कृपा, परिवार के जो संस्कार है उनकी वजह से। पैसा कमाने के लिए व्यापार नहीं करना होता, पैसा कमाने के लिए थॉट प्रोसेस चेंज करना होता है। और यही मैं सिखाना चाहता हूँ। जब कभी मैं बड़ा हो जाऊँगा, मैं आप लोगों को बताऊँगा भक्ति मार्ग में कैसे आना है। भक्ति मार्ग से सब मिलता है, दुर्गा सप्तशती में सब दिया हुआ है कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, सब कुछ मिलता है इस संसार में, जो भी चीज़ें हैं उन सब का भोग सकते हो तुम, बहुत इजी है। लेकिन गुरु के सानिध्य में, गुरु बताएगा। अब जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, मेरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं एक है, छोटा भाई बोल लो, दोस्त बोल लो, कभी पीता था, हर फ्राइडे को दारू चाहिए थी उसको। और अब ऐसा हाल है कि दारू छोड़ रहा, वो धीरे धीरे अब कम कर दी, भक्ति मार्ग में आ गया। और धीरे 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 अब उसके अंदर, जैसे भक्ति मार्ग में आते हो चीज़ें छूटती है, बुरी आदतें छूट जाती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका जवाब देना कई बार मेरे लिए भारी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो है इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट लोगों को भक्ति मार्ग में लाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि भक्ति मार्ग में आने के लिए आपको पूरा समर्पण चाहिए। अब समर्पण तो ऐसे होता नहीं, इंटेलिजेंट समर्पण नहीं करता कभी, वो तर्क वितर्क करता है। और तर्क वितर्क में हम अपनी बात को, हम अपनी बात को ऊपर कर सकते हैं, सामने वाले को हम पराजित कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला हमारी हाँ में कभी नहीं मिलाएगा। फिर आती आस्था, जब आस्था होती है तो वो अटूट होती है, उसमें वो तर्क वितर्क नहीं होता, वो मान लेता है, वो अपने हथियार गिरा देता है कि जो आपने कहा वो एकदम सत्य है, मुझे उस मार्ग पे चलना है। तो आस्था पैदा करनी है। अब इंटेलिजेंट लोग तर्क वितर्क करते हैं, वहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनको समझाना, क्योंकि उनको सब कुछ लॉजिकल चाहिए, और यहाँ लॉजिक नहीं चलता है। भक्ति मार्ग में लॉजिक कम और भाव ज़्यादा काम करते हैं। दादाजी भजन गाते थे, भक्ति भजन भाव और श्रद्धा तेरी देखी एक समान, मैं प्रसन्न हो रही हूँ तू मांग लियो वरदान। क्योंकि हमारे दादाजी के वो अनुभव थे, उन्होंने जब सारी चीज़ें एक समान हो गई तब उनको माँ भगवती ने दर्शन दी, अपने होने का उस प्रकृति ने आभास दिलाया कि मैं हूँ, दर्शन कर मेरे। तो वो तब उन्होंने भजन बनाया कि उस भगवती की प्राप्ति ऐसे नहीं होती, आपको इन सब चारों चीज़ों को समान करना पड़ेगा। तो भजन करो, अच्छे भाव पैदा करो, भंडारे करो, सर्विस दो लोगों को, सेवा करो मतलब, और फिर देखो क्या चमत्कार होता है, जो मांगोगे वही मिलेगा, करो उसकी भक्ति, बहुत इजी है।
यही सब कुछ टेक्निक आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि संसार में हम आए हैं तो हमें जूझना पड़ता समस्याओं से कई तरीके की। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है धन का, नहीं समझे? धन का सबसे बड़ा रोल होता है, और धन के 90% धन का रोल है, बाकी तो 10% है। और इस ये पड़ाव पार कर लो फिर आगे का पड़ाव आता है। इसको अचीव करने के लिए मैं बोलता हूँ भक्ति मार्ग में आ जाओ, सब कुछ अपने आप मिलता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, आगे अभी भंडारा करना है, फिर मिलेंगे। बस माँ गंगा से यही प्रार्थना करता हूँ, मैं चाहे 7 समुंदर पार क्यों ना बैठा हूँ, जब भी गंगा स्नान हो मुझे बुला ले। बस अब सीधा यहाँ से जाते ही दुबई वापस, फिर आएंगे कभी अगले साल। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर गंगे। भक्ति लाइन में आ जाओ भाई, सब कुछ अच्छी होगा, और बुरी आदतें छोड़ दो, अपने आप छूट जाएगी जब इस लाइन में आओगे। चलिए जी।